इसमें कह रहे हैं कि इसकी हाइट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर से एक कैविटी काटी जाती है और वो कॉनिकल कैविटी काटी जाती है सेम हाइट की, ठीक है, सेम हाइट की कॉनिकल कैविटी ऐसे काट ली जाती है, काट कर निकाल दिया जाता है, जिसकी हाइट सेम है, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर जितना कि आपका क्या है सिलेंडर का हाइट है, ठीक है। तो इसमें से जब आप इसको काट कर निकालेंगे तो शेप कैसा बनेगा, अगर आप देखें इसको मैं हटा दूं तो ये शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा शेप बन कर आएगा, क्योंकि ये ऊपर से हिस्सा तो कट जाएगा, ये कट कर निकल जाएगा तो ऐसा आएगा। तो आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आप ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया भी आप काउंट करेंगे, ये वाला एरिया भी आप काउंट करेंगे, दिख रहा है, और ये बाहर से भी एरिया को आप काउंट करेंगे, टोटल काउंट करना पड़ेगा आपको, और ये नीचे एरिया ऑफ सर्कल भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए आपको एक बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो आप निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये निकालना पड़ेगा। तो आपको तीन चीजें निकालनी है, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये तीन चीजें आपको निकालनी होंगे। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL, और एरिया ऑफ बेस सर्कुलर बेस है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, πR² आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सबका रेडियस सेम है, तो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, πR कॉमन आ जाएगा, पाई और आर कॉमन ले लिया आपने, क्या कॉमन ले लिया, πR कॉमन हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2H, इधर क्या बचेगा L, और इधर क्या बचेगा R, ठीक है। अच्छा, बात रही हमारे पास सब कुछ गिवन है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो स्लैंट हाइट आपको निकालना पड़ेगा, आपको हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट h गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, बात क्लियर है, तो रेडियस हो गया। अच्छा, एल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा h² + r² एच की वैल्यू कितना है 2.4 सेंटीमीटर² + 7 सेंटीमीटर², ठीक है। अच्छा, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.67 + 0.49, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, एल कितना आ गया निकलकर 2.5 सेंटीमीटर, ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सॉल्व करते हैं, देखिए अगर इसमें मैं एल की वैल्यू जैसे हमने निकाला अभी 2.5 सेंटीमीटर आया, उसको यहां पर पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू 0.7, ब्रैकेट पे 2, एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 24/10 रख सकते हैं पॉइंट को हटाकर, प्लस एल की वैल्यू 25/10 रख सकते हैं पॉइंट को हटाकर, ठीक है, और प्लस आर की वैल्यू 7/10 रख सकते हैं पॉइंट को हटाकर, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप पॉइंट को हटाकर 10 लिख सकते हैं, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11 और ये कट जाएगा आपका कितना जाएगा 5, तो 11/5 ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 48 + 25 + 7/10, सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 11/5 ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे 32 में आप इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा
80 अपॉन 10, इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 88 अपॉन 5, 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35.56 जा, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना आ गया आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। हाँ 18 आ रहा है, तो राउंड मतलब आपका यही आंसर आ रहा है। दूसरी बात है कि इसमें आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नियरेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है, कितने में निकालना है, नियरेस्ट में निकालना है। तो अगर आप नियरेस्ट में निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें तो ये लगभग हो जाएगा नियरेस्ट में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नियरेस्ट इन सेंटीमीटर निकालने के लिए बोला है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप नियरेस्ट सेंटीमीटर में जाते हैं तो नियरेस्ट सेंटीमीटर आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।